तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। बैंक बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एटीएम कार्ड को एटीएम के अंदर डालना है। एटीएम डालने के बाद हमारे पास इस तरह की कुछ स्क्रीन खुल के आएगी, जिसमें हमें कार्ड सेलेक्ट करना है कौन सा है, डोमेस्टिक है इंटरनेशनल। तो हमारा कार्ड इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल पे सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरनेशनल पे सेलेक्ट करते ही हमें वेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट कर लेना है। अब हमारा पेज इस तरह से खुल के आएगा, जिसमें आपको भाषा सेलेक्ट करनी है आपकी कौन सी है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश। तो हम यहाँ पर इंग्लिश को चुन लेंगे, तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज इस तरह का खुल के आता है, जिसमें फास्ट कैश है, विड्रॉल है, क्विक कैश है, डिपॉजिट करवाना है कैश वो है, बैंकिंग है और पिन जनरेटर है। तो यहाँ पर हम बैंकिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, तो बैंकिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। बैंकिंग पे सेलेक्ट करते हैं इस तरह का एक पेज खुल के आएगा, जिसमें हमारा लिखा है मेन बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ट्रांसफ़र करना है, सर्विस या ऑर्डर। तो हमें मेन बैलेंस देखना है, तो बैलेंस इंक्वायरी पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम बैलेंस इंक्वायरी पे सिलेक्ट करते हैं, इस तरह का पेज खुल के आता है, जिसमें लिखा हुआ है 10, 99, 25। तो आपको कोई भी अंक भर के सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा पेज इस तरह से खुल के आएगा, जिसमें आपको जो है एटीएम का पिन 4 डिजिट का फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से पिन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें पिन भरने के बाद हमारा इस नेक्स्ट पेज जो है इस तरह का आएगा, जिसमें आपसे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपका अकाउंट किस टाइप का है। तो हमारा अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट है, ना कि करंट। तो हम सेविंग पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेविंग पे सेलेक्ट करते ही हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में पड़ जाएगी, और आगे हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो करने लग गया। तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो।